आचार्य जी, हमारा जो आज प्रश्न है वो ये कि अगर चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान होता है, ऐसे में जो जातक का व्यवहार होता है वो कैसा होता है? धन्यवाद चेल्सी जी। सूर्य के 12 भाव की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं चतुर्थ भाव पे। पहले तो हमारे दर्शक ये जान लें कि चतुर्थ भाव किस चीज़ का है। चतुर्थ भाव विशेषकर हमारी माता का भाव है, हमारी वाहन का भाव है, जिस घर में हम रहते हैं उस घर का भाव है, हमारे सुखों का भाव है। बहुत ही शुभ भाव माना गया है चतुर्थ भाव को। और सूर्य, जिसे कि ज्योतिष में राजा कहा जाता है, वो अगर चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो क्या आपकी स्थिति बनती है, आइए जानते हैं। सूर्य की चतुर्थ भाव में होने से आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाता है, क्योंकि यह आपके भीतर बचत करने की प्रवृत्ति देता है। आप देखने में रूपवान होते हैं, लेकिन कुछ चिंताएं आपको घेरे रहती हैं। यहाँ स्थित सूर्य माता पिता की सेवा से वंचित भी करवा सकता है, माता से कुछ दूरियां भी करवा देता है। साथ रहकर मनमुटाव भी हो जाता है, आप अपनी माता से कुछ मनमुटाव कर बैठते हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ भाइयों के साथ भी स्वभाव को बाधक बनाती है, उग्र बनाती है, लेकिन यह स्थिति आपको किसी गुप्त विद्या का ज्ञान दे सकती है। हो सकता है कि आप अपनी जन्मभूमि को अधिक महत्व ना दें, लेकिन फिर भी आप किसी को हानि पहुँचाने से डरेंगे। आपको सोने चांदी के व्यापार में लाभ मिलेगा, आपकी अधिकतर यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नया बनाएंगे या शोध करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप बुरी लतों से यहाँ पर बच जाते हैं, और बुरी लतों को यदि लग भी जाएं तो उन्हें छोड़ने में आप प्रभावी रहते हैं और छोड़ देते हैं। आपको आँखों से संबंधित कुछ समस्या यहाँ हो सकती है, आपको चाहिए कि लालच को अपने पास बिल्कुल ना आने दें, अन्यथा आपको आर्थिक परेशानी में भी फंसना पड़ सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आचार्य जी ने बताया कि अगर चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान होता है तो ऐसे में क्या कुछ जातक का व्यवहार होता है, वो कैसा होता है।